हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। सीएचओ राजस्थान के लिए हम जितना हो सकते हैं उतनी टेस्ट सीरीज अब जीके की हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर लीजिएगा। जीके की वो सब क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीएचओ के अंदर आने के चांसेस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? ऑप्शन ए है बबूल, ऑप्शन बी है बरकत एंड ऑप्शन सी है खेजड़ी एंड ऑप्शन डी है पीपल। फटाफट से अपना आंसर पुट करिएगा। लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? फटाफट से अपना आंसर पुट करिएगा। इसका राइट आंसर होगा खेजड़ी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का 96% फेल्स पार प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है जयपुर ज़िले से, बांसवाड़ा ज़िले से, जयपुर ज़िले से और उदयपुर ज़िले से। फटाफट से अपना आंसर आउटपुट करिएगा। राजस्थान का 96% फेल्स पार प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर होगा अजमेर ज़िले से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच बालू के उत्पाद में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? कांच बालू के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। फटाफट से अपना आंसर है वो पुट करिएगा। इसका राइट आंसर होगा दूसरा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ज़िले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान के किस ज़िले में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पाद होता है? ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बारा एंड ऑप्शन डी है पाली। इसका राइट आंसर होगा श्रीगंगानगर। कौन सा होगा? श्रीगंगानगर। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? जो गेहूं, मोट एंड चना। फटाफट से अपना आंसर आउटपुट करिएगा। राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा गेहूं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा। फटाफट से अपना इसका आंसर है वो पुट करिएगा। राजस्थान का वह कौन सा नगर है जहां हवाई अड्डा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा अजमेर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं? ऑप्शन ए है जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और भीलपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? पेट्रोकेमिकल, इस्पात, कपड़ा एंड रसायन। इसका राइट आंसर होगा कपड़ा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस रजवाड़े में ब्लू पॉवर्टी को प्रथम दिया है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। इसका राइट आंसर होगा जयपुर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जयपुर, बाड़मेर, सांगानेर और बगरू। इसका राइट आंसर होगा सांगानेर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर नगर के स्थापनक है, जैसलमेर नगर के स्थापक है अजयपाल, राव जोधाजी, राव बीकाजी और राव जैसल। फटाफट से इसका आंसर है वो पुट करिएगा। जैसलमेर नगर के स्थापक है राव जैसल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहाँ अधिक विकसित है? भरतपुर में, कोटा में, धौलपुर में और करौली में। इसका राइट आंसर होगा धौलपुर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास टाइम बहुत कम है इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से जीके को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह सर्वोच्च पर्वत शिखर है? राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अचलगढ़, कुंभलगढ़, गुरु शिखर और शेर। इसका राइट आंसर होगा गुरु शिखर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहाँ पर हुई? कोटा, अजमेर, जयपुर और किशनगढ़। फटाफट से इसका आंसर पुट करिएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम उद्यान की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा कोटा। ओके, इट मींस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। फटाफट से अपना आंसर वो पुट करिएगा, फटाफट से अपना आंसर वो पुट करिएगा। जोधपुर, अजमेर, उदयपुर एंड जयपुर। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? फटाफट से अपना आंसर पुट करिएगा। इसका राइट आंसर होगा उदयपुर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? मकराना से, भीलवाड़ा से, कोटा से और भैंसलाना से। इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान में जो काला पत्थर है वो निकाला जाता है भैंसलाना से, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पॉवर्टी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, डूंगरपुर। इसका राइट आंसर होगा जयपुर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? गेर नृत्य, घूमर नृत्य, गीदड़ नृत्य और तेरहा ताली। इसका राइट आंसर होगा गेर नृत्य। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस ज़िले में नहीं बोली जाती? बारा, कोटा, झालावाड़ और टोंक। इसका राइट आंसर होगा, जो हाड़ौती बोली है राजस्थान में वो टोंक के अंदर नहीं बोली जाती, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ज़िला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा, झालोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ज़िला है। इसका राइट आंसर होगा कोटा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जनमाजय, राज सिंह, राणा संघ, महाराणा कुंभा। इसका राइट आंसर होगा राज सिंह, राज सिंह इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? केथुन, केकड़ी, जहाजपुर और बांकलिया। इसका राइट आंसर होगा केथुन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? केथुन में। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जौ का उत्पादक राज्य में किस समय होता है? खरीफ क्रॉप में, खरीफ में, रबी में और जायद में, और इनमें से कोई नहीं। जौ का पूछा है, जौ किस कौन सी फसल होती है? रबी फसल होती है। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। इसका राइट आंसर होगा टीकाराम पालीवाल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, रिमेनिंग जो टेस्ट सीरीज है, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है सीएचओ राजस्थान जीके के लिए, वो हम इवनिंग की जो टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग काफ़ी सारे जीके के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड होइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।